हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दिसंबर पाक्षिक असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन इंग्लिश स्कोर का। इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ, तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका PDF टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट विल द महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल आंसर इन अबाउट 30 वर्ड। इसका आंसर किस तरह होगा? विद इन द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स द महाराज हैज किल्ड 70 टाइगर इन हिज किंगडम एंड 30 टाइगर स्टिल रिमेन्ड टू बी शॉट बाय हिम, बट द टाइगर पॉपुलेशन केम टू नो वर्ज ऑफ एक्सटेंशन इन हिज किंगडम। द महाराज प्लान टू गेट मैरिड टू अ गर्ल बिलोंगिंग टू अ नेटिव स्टेट विच हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर इन इट्स फॉरेस्ट। तो इस तरह से पूरे आंसर को एक्सप्लेन करना है। फिर रीड द पैसेज गिवन बिलो। ये पैसेज है, पैसेज को पढ़कर नीचे आपको नोट मेकिंग बनाना है। इस पैसेज को पढ़कर आपको नोट मेकिंग तैयार करना है। तो नोट मेकिंग का जो टाइटल होगा, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग नोट्स होगा। फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड ऑन, फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा इसका इफेक्टिव लिसनिंग, कंसंट्रेशन ऑफ लिसनिंग, कंसंट्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हियर। इस तरह से सारे पॉइंट को आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे। इसी तरह से आपको नोट मेकिंग तैयार करना है। अगर नोट मेकिंग में अगर आप अच्छे से इसको समझना चाहते हैं और भी नोट मेकिंग, तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। बहुत ही जल्द आपको सारे नोट मेकिंग तैयार करा दिया जाएगा, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। उसके बाद लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन लिखना है। EFF का होगा इफेक्टिव कंसंट्रेटिंग, उसके बाद मैसेज आ जाएगा। फिर जो REE हम लोग एब्रिविएशन यूज़ किए थे वो होगा रिसिप्ट के लिए PHYS फिजिकल का हो जाएगा। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड, व्हाट एलिसिया सैड मेड हर फ्रेंड क्राई, इसका होगा नाउन क्लॉज। सेकेंड डार्ला एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट वॉज दैट सी फॉरगॉट टू सेट हर अलार्म। इसमें आपको अंडरलाइन करना है नाउन क्लॉज को, तो कौन सा होगा? दैट सी फॉरगेट टू सेट हर अलार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको दैट नाउन क्लॉज से इसको कंबाइन करना है। इट इज सर्टन दैट सी विल विन द फर्स्ट प्राइज। आई नो अ मैन ही कैन स्पीक 14 लैंग्वेज। रिलेटिव क्लॉज से इसको कंबाइन करना। आई नो अ मैन हु कैन स्पीक 14 लैंग्वेज, इसका आंसर होगा डच। इन अ पर्सन लिव इन द नेदरलैंड, इसको हु और विच से रिलेटिव क्लॉज से कंप्लीट करना। डच इन अ पर्सन हु लिव्स इन द नेदरलैंड हो जाएगा इसका आंसर। आई वॉच अ फिल्म लास्ट नाइट, द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग, इसको रिलेटिव क्लॉज से कंबाइन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? द फिल्म आई वॉच लास्ट नाइट वॉज इंटरेस्टिंग, इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन दिए थे, सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिए। किसी भी क्वेश्चन पर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। तो जस्टिफाई करना है इसके टाइटल को द टाइगर किंग के बारे में। तो इस तरह से यहाँ पर इसके आंसर दिए गए हैं। इसको अच्छे से आप रीड करके अपने असाइनमेंट कॉपीज पर लिख सकते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छे से याद भी करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास्का एंड लॉरेंस, इसका होगा बर्लिन। वाई वॉज फ्रांस रिक्रूटेड टू गो टू स्कूल, लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, हु इज द ऑर्थर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, एलिस जोंग। उसके बाद 4th क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑर्थर एनालाइज इन द स्टोरी पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉइटेशन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट वॉज साहेब लुकिंग फॉर, साहेब क्या देख रहा था, किसको देख रहा था वो, किस तो क्वाइंस को। फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैड ऑर्थर टॉट इन हाई स्कूल इन याकिमा, तो 2 ईयर इसका आंसर हो जाएगा। हाउ डिड ऑर्थर फियर वियनिस, इसका आंसर होगा विथ करेज गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, हाउ डिड द ऑर्थर फियर वेनिस, इसका आंसर क्या होगा? विथ करेज गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन। स्वीडन माइंस आर रिच इन विच ओर, कौन सा जाएगा इसका आंसर? आयरन ओर। उसके बाद वाई डज द पेडलर नीड अ वेरियस काइंड ऑफ थॉट, इसका आंसर क्या होगा बच्चों?
बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पुअरिटी, इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पुअरिटी। दिस स्टोरी रिवॉल्व अराउंड होम, तो इसका आंसर होगा अराउंड पैडलर द रैट ट्रैप सेलर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद आपके 6 आपका डुएस डायरेक्टेड प्रॉब्लम दिए थे, तो ये क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करें, क्योंकि यही एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी अच्छे से बनती है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर होना जरूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।